नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड इंफ्राटेक के प्राइड को, जो कि सेक्टर 76 में है। आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी साइड विजिट को गुड़गांव के वाटिका चौक से, जिसको बहुत सारे लोग बादशाहपुर चौक या बादशाहपुर रेड लाइट के नाम से जानते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सुहना रोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लोग अपनी साइड विजिट को वाटिका चौक से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके पास कोई कमेंट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने साइड विजिट को। सो गाइस, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पिरामिड प्राइड सेक्टर 76 की साइड विजिट को, और हम लोग अपनी साइड विजिट जो है वो वाटिका चौक बादशाहपुर के पास से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग SPR से होते हुए सेक्टर 76 जाएंगे। सेक्टर 76 जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते हैं। हम लोग यहाँ से NH8 पर पहुंचे और NH8 से खिड़की दौलत टोल को क्रॉस करने के बाद में हम लोग लेफ्ट साइड टर्न कर सकते हैं, या फिर हम लोग NH8 पहुंचने से पहले एक नया रास्ता बन गया है जो हल्दीराम के टोल टैक्स के बाद में, जो एक 84 मीटर वाइड रोड नया रास्ता बना है, हम लोग उस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो हम लोग आज SPR से होते हुए नए रास्ते से इस प्रोजेक्ट सेक्टर 76 पिरामिड प्राइड की साइड पर पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साइड विजिट को। और हमने वाटिका चौक क्रॉस करके SPR पे स्टार्ट कर दिया है, और आप सामने अगर बोर्ड पे देख रहे हैं तो NH8 सीधे है, M3M के प्रोजेक्ट जो है सामने है, और सेक्टर 75, 74, 73, 72 ये सारे सेक्टर्स आगे हैं, और मैं आपको आगे इन सबके बारे में बताऊंगा। हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर 69 है। ये राइट साइड में टाटा प्रिमांती प्रोजेक्ट है सेक्टर 72। और ये हमारे लेफ्ट में सेक्टर 69 और 70 का सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। यहाँ से हम लोग टूलिप वॉयलेट, टूलिप वाइट, टूलिप ऑरेंज, टूलिप लेमन, टूलिप आइवरी, पारस आइरीन और पीपीटी में सैड गार्डन के लिए जा सकते हैं। हमारे राइट साइड में ये यूनिटेक का कमर्शियल बिल्डिंग है, जो एक IT बिल्डिंग है, सेक्टर 71 में आता है। इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये यूनिटेक विस्टा है सेक्टर 70 में। इसके बाद राइट साइड में वापस हम देखते हैं तो MCM का ब्रॉडवे है सेक्टर 71 में। और हमारे लेफ्ट साइड में ये BMW का ट्रेनिंग ऑफिस है, और मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग सेक्टर 76 में पिरामिड प्राइड के प्रोजेक्ट में जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हम लोग स्ट्रेट यहाँ से NH8 पर गया और वहाँ से लेफ्ट टर्न ले, और दूसरा हम लोग आगे अगले 100 मीटर बाद हम लोग लेफ्ट टर्न लेके ये एक नया रास्ता बना है, यहाँ से सेक्टर 76, 77, 79 को कनेक्ट कर रहा है ये 84 मीटर वाइड। और हम लोग ऑलमोस्ट सेक्टर 76 में आ चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, ये कोरोना का ग्रेसिया प्रोजेक्ट है।
सकते हैं आप, ये रास्ता यहाँ से राइट टर्न हो रहा है, फ्यूचर में ये रास्ता यहाँ से आगे जाकर सेक्टर 78-79 में कनेक्ट होगा और हमने टर्न कर लिया और ये स्ट्रेट पूरा सीधे रास्ता जो है आपका NH8 पर कनेक्ट करता है नाम के टोल टैक्स के बाद में। हम लोग अब यहाँ से आगे से राइट टर्न लेंगे और हमने ये राइट टर्न ले लिया और राइट टर्न लेने के बाद में हम लोग ये अपोजिट साइड पर नीचे की तरफ उतर रहे हैं और अभी ये साइड पर पहुंचने का करंट अप्रोच है जो एक रेवेन्यू रास्ता है। फ्यूचर में साइड की जो कनेक्टिविटी है वो 24 मीटर रोड से होगी। और ये हमारे लेफ्ट साइड में ब्रॉडवे इंटरनेशनल स्कूल है। और हम लोग यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं। और मैंने जैसे आपको अभी आते समय रास्ते में बताया था सेक्टर 76 में कोरोना ग्रुप का ग्रेसिया प्रोजेक्ट के बारे में, हम लोग ऑलमोस्ट उस प्रोजेक्ट के पीछे साइड में आ जाएंगे। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पिरामिड प्राइड सेक्टर 76 की साइट पे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 76 में अपनी साइट पिरामिड प्राइड पर। बात करते हैं पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में। पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर दिनेश कुमार और मिस्टर ब्रह्मदत्त हैं। इस कंपनी के ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट आ रखे हैं गुड़गांव के अंदर। 2014 से ये अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में तो इनका सबसे पहले इनका जो पहला प्रोजेक्ट आया था वो सेक्टर 78 में अर्बन होम 1 के नाम से आया था। उसके बाद इनका दूसरा प्रोजेक्ट सेक्टर 86 में अर्बन होम 2 के नाम से आया और तीसरा प्रोजेक्ट सेक्टर 67A में अर्बन 67A के नाम से आया था। इसके बाद इनका चौथा प्रोजेक्ट सेक्टर 70A में फिर से फ्यूजन होम के नाम से आया। इसके बाद सेक्टर 86 में इनका इलीट के नाम से एक और प्रोजेक्ट आया। फिर 85 सेक्टर में इनका पिरामिड हाइट के नाम से प्रोजेक्ट आया और ये प्रोजेक्ट इनका जो है सेक्टर 76 में पिरामिड प्राइड के नाम से है। पिरामिड प्राइड एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 26 है जो इनको 25 फरवरी 2019 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है वो 8 मई 2019 को आया है और इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 26 है जो इनको 24 मई 2019 को मिला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 722 अपार्टमेंट है। 722 अपार्टमेंट में 5% का जो कोटा है वो मैनेजमेंट कोटे के अंदर है, बाकी जो 95% का जो कोटा है वो जनरल पब्लिक के लिए है। इस 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में टोटल 7 टावर हैं और इसमें अगर मैं टावर्स की हाइट की बात करता हूँ तो इसमें से एक टावर जो है वो G+1 फ्लोर का है, बाकी सारे टावर जो है वो G+14 फ्लोर के हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4% का कमर्शियल एरिया भी है जिसके अंदर आपको कमर्शियल शॉप्स वगैरह इसके अंदर आएंगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर भी और अफोर्डेबल की तरह ही 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच एरिया भी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो हाफ बास्केटबॉल कोर्ट का एरिया भी है, बाकी इसके अंदर सफिशियंट जो है वो किड्स प्ले एरिया भी है। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर के 2.67 लाख रुपीस की सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लोकेशन एरिया के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको जैसे आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट सेक्टर 76 के अंदर में आता है, इसके अगर नियर बाय प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जस्ट इस प्रोजेक्ट के पीछे साइड में कोरोना ग्रुप का ग्रेसिया प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर 9X सिटी का भी आपका प्रोजेक्ट है। इसी सेक्टर में आपका ABW का वेरोना हिल्स का भी प्रोजेक्ट है। सेक्टर 76 के अंदर में जो मेजर लैंड बैंक है वो DLF के पास में है। यहाँ पे DLF की फ्यूचर पे प्लॉटिंग और लो राइज अपार्टमेंट यहाँ पे आने की प्लानिंग है।
इस प्रोजेक्ट पर आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। बेसिकली हम लोग हाईवे के थ्रू NH8 से होते हुए हल्दीराम का टोल टैक्स क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद में हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, जो आपका वाटिका सिटी का पहला फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर के ऊपर ना चढ़ के हम लोग नीचे से लेफ्ट में लेंगे। लेफ्ट में लेने के बाद में रफली हम लोग 400-500 मीटर चलेंगे और लेफ्ट साइड में ये प्रोजेक्ट आता है। दूसरा रास्ता इस प्रोजेक्ट में आने का, मैंने आपको जैसे बताया था अपने रूट में, हम लोग SPR के थ्रू, जो SPR से जो नया रास्ता आ गया है, जो BMW शोरूम के साथ में एडजॉइनिंग रास्ता बना हुआ बन गया है, उस रास्ते से हम लोग अंदर में आकर और इस प्रोजेक्ट पर हम लोग पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के या इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करते हैं, इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो भी आपको NH8 पर इंटरसेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग मेजर हाईवेज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर NH 48 है, जिस जो आपको दिल्ली जयपुर हाईवे हम लोग जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ इस पर हम लोग पीछे SBR है, जो सदर्न फेडरल रोड भी है आपका। तीसरा आपका यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे भी है, जो आपको यहाँ पर NH 8 पर द्वारका एक्सप्रेसवे इंटरसेक्ट करता है, वो भी यहाँ से कुछ ही कदमों की दूर। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और उनके प्राइसेस के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल चार टाइप हैं, जिसमें टाइप ए का कारपेट एरिया 591.15 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट। टोटल जो यूनिट कॉस्ट आता है इस यूनिट का, वो 24,14,600 रुपये का है। टाइप बी का कारपेट एरिया 580.54 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट और टोटल कॉस्ट 23,72,160 रुपीस है। टाइप सी जिसका कारपेट एरिया 578.27 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट एंड टोटल कॉस्ट 23.63 लाख रुपीस का है। टाइप डी 598.53 स्क्वायर फीट का, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट का, टोटल कॉस्ट इस यूनिट का 24,44,120 रुपीस है। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल जानने के लिए और मुझे कॉल करने के लिए आप स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरा नंबर है 9711178605। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।